हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज ए रिलेटिव टर्म। द पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, तो पहले एग्जाम्पल से समझा जाए, तब उसके बाद हम देखते हैं डिफिनेशन की तरफ लौटते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देखें यूई होता है के क्यू वन क्यू टू अपान आर होता है। के क्यू वन क्यू टू अपान आर होता है कब? जब दो चार्ज क्यू वन क्यू टू स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। यस, तो मे बी पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। दोनों सेम साइन के हैं, दोनों क्यू वन क्यू टू दोनों पॉजिटिव हैं, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला केस है, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। तो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हाँ, अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यूएसपी। तो देखिए, माना कि ये क्लास ट्वेल्थ का कोर्स में है, लेकिन आप फार्मूला शायद देखे होंगे। यहां जितनी आवश्यकता है वो सब आगे बताया जाएगा। तो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है के एक्स स्क्वायर। ये केस तब होता है, यहां तो मान लेते हैं ये स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन है। ये जो फार्मूला बना है तब के लिए है कि स्प्रिंग की ये नेचुरल पोजीशन है। अगर नेचुरल पोजीशन से एक्स दूरी डिस्प्लेस करके हम यहां कर दें, यहां तक खींच के ले जाएं, तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो खींच, जैसे बच्चों का खिलौना होता है वो स्प्रिंग से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, स्टोर कर देते हैं, स्प्रिंग घुमा घुमा के स्टोर कर देते हैं। जब जमीन पे रख देते हैं खिलौना या कार जो भी है, वो जमीन पर चलने लगता है, तो वो एनर्जी स्टोर करके रख देते हैं, तो वही उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कि ये नेचुरल पोजीशन अगर स्प्रिंग की है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। खींच कर यहां ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान दें, स्प्रिंग फोर्स जो कार्य करता है, अभी इसके बारे में डेरिवेशन करेंगे। यहां आप लिख रहे हैं तो आप हल्का से जान लीजिए, अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स, हम लोग इधर खींच रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है हमेशा। हाँ, तो फोर्स की बात हो रही है, ये कैसे आया अभी बताया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये ओनली पॉजिटिव होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। ये चीज ध्यान दे, बहुत ही कीमती लाइन है। अब बचता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूजी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है जी एम वन एम टू अपान आर होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा जी एम वन एम टू अपान आर माइनस में। अब ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, और इसका एक फार्मूला ये होता है एमजीएच के टर्म में, तो एम जी एच अपान वन प्लस एच अपान आर ई होता है। आर ई माने पृथ्वी की त्रिज्या है ये। तो अगर दो मास, हाँ यहां देखें, आर दूरी पर एम वन एम टू मास है, तो ऐसी दशा में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू
जी इज इक्वल टू होगा जी अमोनियम टू अपॉन आर निगेटिव में। एमजीएच पदों में ये लिखा जाता है एमजीएच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये सब कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हाँ तो ये कुछ भी हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है और जीरो होता। इफ यहां कंडीशन देखें इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई देन यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या एम जी एच। इस फार्मूले का प्रयोग कब किया जाता है कब इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है ये भी ध्यान देना है। इस फार्मूले का प्रयोग तब किया जाता है जब जैसे ग्राउंड पर है एच इक्वल टू क्या है यहां पे जीरो तो ऐसी दशा में यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। और कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पहुंच गया है अगर यहां कोई मास है तब और मास अगर आपका एम यहां पहुंच गया है तो ऐसी दशा में यू जी इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच एम जी एच। तो चलो यू वन इसे नाम देते हैं इसे यू टू नाम देते हैं यू वन नाम देते हैं इसे यू टू नाम देते हैं तो यू जी इक्वल टू मान लेते हैं यू जी इक्वल टू मान लेते हैं यू टू माइनस यू वन इक्वल टू क्या आएगा एम जी एच। ये कीमती लाइन है यहां ध्यान दें आप वास्तव में ये ध्यान दें वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी इज ए रिलेटिव टर्म ये सापेक्ष टर्म है। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई बोल दिया यूजी बराबर एम जी एच तो इसका मतलब यह होता है इसका मतलब वो है ये है कि किसी एक स्थान पर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या माना गया है जीरो माना गया है। इस टाइप का केस है वो ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और एच ऊंचाई पर क्या है एम जी एच तो एम जी एच माइनस जीरो इक्वल टू क्या आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अकेले एक बिंदु पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं किया जा सकता ये सापेक्ष टर्म है रिलेटिव टर्म है कहीं उसका जीरो वाला टर्म भी सम्मिलित है। अब हम लोग परिभाषा पर गौर करते हैं क्योंकि ये सब एग्जाम्पल हम देखे हैं। हाँ इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अभी डेरिवेशन हम करेंगे विस्तृत चर्चा करेंगे ध्यान दें। हाँ द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। परिभाषा ध्यान दें वो कह रहा है जैसे यहां पे जमीन से इतनी ऊंचाई पर ये ब्लॉक है देखें द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन पोजीशन के कारण जो वर्क करने की पावर होती है या स्टेट ऑफ स्ट्रेन जैसे स्टेट ऑफ स्ट्रेन मतलब होता है कि विकृति इसकी हिंदी होती है जैसे स्प्रिंग जो कार वाली जो स्प्रिंग वाली कार होती है बच्चों वाला खिलौना होता है उसमें हम लोग चाबी भर देते हैं इसे घुमा घुमा के स्प्रिंग नचा देते हैं तो वो हमारी ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है। तो विकृति के कारण स्ट्रेन के कारण तो जो स्प्रिंग छोटे बच्चों वाला खिलौना होता है या इस पहले वो घड़ी होती है चाबी भरा जाता था उसमें भी वही सिस्टम है तो घुमा घुमा के हम लोग एनर्जी स्टोर कर देते हैं वही घड़ी 24 घंटे तक चलता रहता है फिर अगले दिन घड़ी चलाने के लिए फिर हमें चाबी भरना पड़ता था। ये और बात है लोग भूल जाते हैं तो उसका प्रयोग कम करते हैं नहीं के बराबर है लेकिन बच्चों के खिलौने के बारे में तो सबको जानकारी होगा सबने देखा होगा एनर्जी स्टोर करते हुए तो वो वही स्ट्रेन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन मतलब पोजिशन के कारण स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे बॉडी कोई यह ऊंचाई पर रखी है तो पोजीशन के कारण जो ऊर्जा है वो भी पोटेंशियल एनर्जी है और स्ट्रेन के कारण जो ऊर्जा है स्ट्रेन मतलब वही स्प्रिंग वाली बात कर रहे हैं बच्चों के खिलौने वाली बात कर रहे हैं तो वो सब ऊर्जा क्या पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ए रिलेटिव टर्म ये सापेक्ष टर्म है सापेक्ष टर्म मतलब
वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जा सकता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा सकता। पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और इवन जीरो। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यस, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया जा सकता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये भी कॉन्सेप्ट आपकी जानकारी में होना चाहिए। दिस इज रिलेटिव टर्म। क्या है? दिस इज रिलेटिव टर्म आप लिखेंगे तब जाके ये डिफिनेशन कंप्लीट माना जाएगा। इसके बगैर ये डिफिनेशन यहां तक गलत है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जा सकता, सापेक्ष टर्म है। सापेक्ष मतलब कहीं पे, यहां पे U बराबर mgh आया तो है, पर ग्राउंड के लिए U बराबर mgh की वैल्यू जो है, U1 की वैल्यू क्या है? जीरो है। हाँ, इस हिसाब से आया है। तो इसके बगैर ये परिभाषा हम समझते हैं अधूरा है। आप इतना काफी कर लीजिए, प्रॉब्लम के लिए मैं दूसरा कंसेप्ट आपके लिए लेके डिफिनेशन लेके आ रहा हूं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी यही डिफाइन किया जा सकता है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा सकता है। दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये फार्मूला आपके लिए डिफाइन किया जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान दें यहां पे। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, अब इसका प्रूफ हमको देना है। प्रूफ के लिए देखें, चले प्रूफ देते हैं। प्रूफ ये है, चुना लेते हैं यहां पे। यस, यहां पे यम द्रव्यमान की एक बॉडी रखा है, ये H1 ऊंचाई पर है, और एक बॉडी यहां रखा है यम द्रव्यमान का, वो यहां से कितनी ऊंचाई पर है? H2 ऊंचाई पर है। तो अगर इतने की अगर आपको आवश्यकता है तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1। यस, H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमें प्रूफ करना है, कैसे आया, कहां से आया। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। तो ये आपका ग्राउंड हो गया, तो ये पहले देखते हैं H1 ऊंचाई पर। तो U1 इज इक्वल टू हो जाएगा MgH1, U2 इज इक्वल टू हो जाएगा MgH2। अगर बॉडी यहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू क्या होगा? MgH1 होगा। अगर बॉडी यहां पर है, H2 ऊंचाई पर है, तो ये पांच इंडिपेंडेंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये पांच पर डिपेंड नहीं करता। ये बॉडी आप इसके सीध में भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर केवल डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, देखें इतना हो गया। तो यू इनिशियल यहां कह दीजिए, यहां यू फाइनल कह दीजिए चाहे तो। तो चलिए, तो इसमें से इसको घटाते हैं। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जो आएगा mg इन ब्रैकेट H2 माइनस H1 आएगा। चलिए, तो ये हम तरीका जानते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए और फाइनल पोजीशन पे यहां लिख लीजिए और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो ये आया। अब देखते हैं
यही काम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां कहेंगे वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज अगर आपको ये ख्याल नहीं आ रहा है तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, तो W ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या कहा जाए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, ये होता है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये होता है एफ जी गुणे डिस्प्लेसमेंट एच, या डी कुछ भी कहिए, कास क्या, कास 180, कास 180। ये कहां से है, ध्यान दें, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया। जैसे ये ब्लॉक यहां है, इसका एम जी, कोई ब्लॉक यहां है, ये एम जी क्या कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट आपका जो हुआ है यहां हुआ है, यहां गया है ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये यम यहां है, यहां से कहां गया, यहां गया, कितनी ऊंचाई तय किया है, एच, एच मतलब एच टू माइनस एच वन, ये वाला केस हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नीचे की ओर कार्य कर रहा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की ओर हो, तो जाहिर है कि उनके बीच जो एंगल होगा डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट वेक्टर डी, टी एफ डी कॉस थीटा। यस, कौन चीज कहां से आया, हां अभी कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, आप जानिए हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, ये केवल ग्रेविटेशनल के लिए नहीं लागू हो रहा है, ये हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लागू हो रहा है। तो चलिए डब्ल्यू सी इक्वल टू आया एफ जी, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है एम जी, और एच के स्थान क्या लिखेंगे एच टू माइनस एच वन, और कास 180 मान माइनस एक, तो ये डब्ल्यू सी इक्वल टू आया माइनस एम जी इन ब्रैकेट एच टू माइनस एच वन, इतना आया। ये माइनस को इस तरफ कर दे क्योंकि कंपैरिजन करना है, तुलना करना है इस फार्मूले से, अगर आपको तुलना करना है तो माइनस डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या आया एम जी इन ब्रैकेट एच टू माइनस एच वन, ये हो गया इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन ले आया पोटेंशियल एनर्जी से, और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किए गए कार्य से ये फार्मूला ले आया, और फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से हम देख रहे हैं कि इसका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जाहिर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखते हैं यू एफ माइनस यू इनिशियल, या इसी को कहा जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी लोग लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो ये चीज हम आपको बता रहे थे। कुछ लोग यूएफ माइनस यू आई के स्थान पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, दोनों एक की बात है, या यू के टर्म में भी लिखा जाता है। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे, यही चीज हमारे फिजिक्स में डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसी कंसेप्ट का सहारा लेकर आगे के सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। वो परिभाषा ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि वो रिलेटिव टर्म है, किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, वो किसी के सापेक्ष किसी के स्थान पर जीरो होगा। जैसे यहां ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो माना गया है, तब जाके यहां पर आया है क्या, यहां पर इतना आया है, ग्राउंड पे जीरो माना गया है तब के लिए वैलिड है, तो ये रिलेटिव टर्म है। तो हम समझते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत जरूरी है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी देखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा फार्मूला है यू एफ माइनस यू इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको स्मॉल डी यू इक्वल टू स्मॉल नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हैं, अथवा आर। ये तो हमारा हो गया था ऊपर, या कोई इस टाइप से भी सवाल लगाए कि स्मॉल चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी क्या रहेगा स्मॉल। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू सी। ये देखिए यहां पे क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यहां से भी इंटीग्रेशन की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पे इसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है माइनस इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये स्मॉल में है तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ सी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। यहां लिमिट लगेगा का एक्स वन से एक्स टू, ये यहां पे हो जाएगा, जो भी रहेगा यहां पे लिमिट लगेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये आया है डी यू इज इक्वल टू इनिशियल और फाइनल है। तो इसे एट लास्ट आप दिमाग में ये याद रखिए केवल इतना कि ये छोटा चेंज करके इसे लिखा जा सकता है यू एफ माइनस यू इनिशियल, ये बराबर कर सकते हैं स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप ज्ञात कर लेंगे डी यू, तो यू इनिशियल माइनस यू इनिशियल यू फाइनल, या इसके स्थान पर कहा जा सकता है ये एफ सी इंटू डी एक्स, जो आपका फार्मूला है ये भी है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये स्मॉल ज्ञात कर लेंगे डी यू ज्ञात कर लेंगे, जब डी यू बराबर कंजर्वेटिव फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू जब ज्ञात हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, तब भी यही चीज हमको मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, एक तरीका आपका ये इंटीग्रेशन वाला भी है, तो जो आपको अच्छा लगे। तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए तो ये चेहरा मिला, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टू फाइनल चाहिए तो लिमिट लगा दिया, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो ये बहुत स्मॉल है तो जाहिर है कि कंजर्वेटिव फोर्स तो रखना होगा प्लस डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लेना होगा, और लास्ट में जब लिमिट लगा देंगे तो पूरा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हमारा आ जाएगा। यस, तो आप इसे काफी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ हो उसकी सहायता से कंजर्वेटिव फोर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक रिलेशन है जिसे आपको दिमाग में रखना होगा। तो ध्यान दें, कंजर्वेटिव फोर्स एफ इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी यू अपॉन डी जेड के कैप। तो ये रिलेशन बहुत जरूरी है, इसको आपको जानना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी सहायता से कंजर्वेटिव फोर्स जो इक्वेशन दिया रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का, उसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे आई के पदों में, जे के पदों में, के पदों में, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ऐसी दशा में एफ आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर जो है ये टॉपिक जो शुरू किए हैं ये बढ़िया क्लियर तब होगा जब इसका अगला वीडियो आप देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। यस, एक चीज और इसके बारे में, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, ये जो है रिलेशन जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। तो इस पर जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, कंजर्वेटिव फोर्स एफ इक्वल टू ये वाला। हाँ, इससे रिलेटेड और बातें, इफ अप्लाइंग फोर्स एक्ट, अगर कहीं ऐसा रहे इफ अप्लाइंग फोर्स एक्ट्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन देन, तब क्या होगा,
अगर अप्लाइंग फोर्स केवल एक्स डायरेक्शन में है तो ऐसी दशा में जे कैप और के कैप वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आएगा क्या, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तब आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अगर ये है, अब यही चीज है, यही इफ अप्लाइंग फोर्स एक्ट ओनली इन वाई डायरेक्शन देन, तो ऐसी दशा में एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इफ अप्लाइंग फोर्स एक्ट ओनली इन जेड डायरेक्शन देन ऐसी दशा में हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन, ये एफ वाई होगा, डी वाई होगा सॉरी, ये डी जेड हो जाएगा। तो ये सब केस है न्यूमेरिकल के लिए, आप सतर्क रहिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा कब, जब हम न्यूमेरिकल इस पर लगाएंगे तब। तो बहुत से कंपटीशन लेवल पे न्यूमेरिकल है जो दिए हुए हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर वो सब सॉल्व होंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग चर्चा करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हम लोग लिख चुके हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी वहां बता चुके हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो ये आपका एक स्प्रिंग था, यम मास है, ये नेचुरल कंडीशन में है। अगर ये नेचुरल कंडीशन में कोई चीज है, नेचुरल का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग को कोई तकलीफ नहीं है, वो ना तो कंप्रेस किया गया ना तो स्ट्रेच किया गया है, वो अपनी पोजीशन पे है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। अब हम कंप्रेस करके ले गए एक्स वन डिस्टेंस पर, पहले देखेंगे, फिर एक्स वन से फिर एक्स टू पे ले गए हैं, वहां देखेंगे, अलग अलग केस है, देखते हैं क्या होता है। कंप्रेस करके नहीं, स्ट्रेच करके, खींच कर यहां ले गए हैं, और इसका खींचना स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों वाले केस पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक चीज और, स्प्रिंग फोर्स जो कार्य करता है वो स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा निगेटिव होता है, क्यों होता है ध्यान दें, अगर आप यम मास को आप खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे उधर, तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स वर्क करता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। हाँ हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रहता है, तो ये हो गया। अब अगर आप दबा रहे हैं स्प्रिंग को, ये एम मास को अगर आप कंप्रेस करेंगे, तो ऐसी दशा में स्प्रिंग फोर्स बाहर क्यों लगेगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये बात क्लियर है। तो अब चलिए हम करते हैं कुछ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो डब्ल्यू एस पी इज इक्वल टू एफ एस पी इंटू डी एक्स, इतना आया, लिमिट लगाएंगे एक्स वन से एक्स टू, और एफ एस पी, देखिए अगर यहां डॉट लगाएंगे तो एफ एस पी, तब तो हम लिखेंगे के एक्स गुणे डी एक्स कास 180। अगर केवल वैल्यू ही रखना चाहते हैं तो एफ एस पी का मान हो जाएगा एक्स वन से एक्स टू तो माइनस के एक्स डी एक्स, ऐसा कर दीजिए, ये भी ठीक है, माइनस के बाहर कर लीजिए, के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, तो ये एक्स वन से एक्स टू हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स आया, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, इतना है, लिमिट है एक्स वन से एक्स टू माइनस के, ये हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई टू, इतना आया। हाँ बाई टू अगर हम बाहर के माइनस के बाई टू कर लें तो ये आया एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, इतना आया। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ये आया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, इतना आता है। तो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू इनिशियल, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी ये कहा जाता है। हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस। तो स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, हम पहले बता चुके हैं, इसके स्थान पे
ये देखिए यहां पहले से नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव जब वहां रखेंगे इसके स्थान पे तो जाहिर है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो हमारा फार्मूला आ रहा है यू एफ माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के बाई टू इन ब्रेकेट एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। तो ये हर केस में वैलिड है ये फार्मूला, ध्यान दें। स्प्रिंग का ओरिजिनल फार्मूला ये है, ये नेचुरल वाला केस ये है, यहां से एक्स वन डिस्टेंस पर ले गए हैं, यहां से एक्स टू डिस्टेंस पर ले गए हैं, तो ये चीज है। अब यहां से कंडीशन है इफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, मीन फार्मूला हो गया। इफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एट नेचुरल लेंथ। तो ये नेचुरल लेंथ होगा, अगर एक्स वन जीरो है, एक्स वन जीरो मतलब ये पॉइंट यहां पे है, तो ये नेचुरल कंडीशन में है, एम को कोई परेशानी नहीं है, ना तो ये कंप्रेस हुआ है ना तो स्ट्रेस्ड हुआ है, आराम से है। तो ऐसी दशा में यू इनिशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब यू इनिशियल जीरो हो जाएगा तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू फाइनल कहा जाए या केवल यू कहा जाए, एक ही बात है, यू फाइनल इज इक्वल टू आया वही 1 by 2 के एक्स टू स्क्वायर आया, या सिंपल भाषा में इसी को कहा जाता है ओनली u इज इक्वल टू क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है विद्यार्थी, इसका मतलब ये है कि यहां पर है कोई बॉडी, यहां पर है, ये नेचुरल कंडीशन में है। अब यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक्स दूरी स्ट्रेच किया गया, इसको एक्स दूरी स्प्रिंग को, यहां पर बॉडी को यहां ले आया गया, तो स्प्रिंग यहां तक बढ़ गया है, एक्स बढ़ा है कहां से, नेचुरल कंडीशन पे, और नेचुरल कंडीशन पर या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या है, जीरो है, और फाइनल एक्स डिस्टेंस पर जो आप ले गए हैं स्प्रिंग को खींचकर, यहां पर क्या हो गया, इतना हो गया। ध्यान दे ये फार्मूला ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान दे। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये दोनों के केस में वैलिड है, दोनों के केस में पॉजिटिव रहेगा। आप अगर खींचते हैं तब भी, आप कंप्रेस करते हैं तब भी, क्योंकि हमेशा जो है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स वर्क करता है। आगे और स्प्रिंग संबंधी जो जानकारी आएगी इसके चैप्टर में, वहां और दिया जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, ये जितना कॉन्सेप्ट हमें बताना था हम स्प्रिंग संबंधी बता चुके, पोटेंशियल एनर्जी संबंधी बता चुके, इसी कॉन्सेप्ट पर अगला वीडियो होगा, ओनली न्यूमेरिकल का होगा। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।